दोस्तों एक बार की बात है, एक बार एक आदमी की गाड़ी पार्किंग से चोरी हो गया था। बहुत ढूंढने के बावजूद भी गाड़ी की कोई भी अता पता नहीं मिली। लेकिन दो दिन बाद उस खोया हुआ गाड़ी को पहले की जगह पर देखकर थोड़ा आश्चर्य हुए उस गाड़ी की मालिक। खोया हुआ कार मिलने की खुशी में दौड़ के गए अपने गाड़ी के पास। उस कार की ड्राइविंग सीट में थी एक चिट्ठी। तब उस चिट्ठी को खोलकर देखा, उसमें लिखा था कि मां की शरीर अचानक बिगड़ गया था। उनकी तबीयत अचानक बिगड़ जाने के लिए उनको अस्पताल ले जाना पड़ा था, लेकिन गहरी रात और छुट्टी की वजह से कोई भी गाड़ी ना मिलने की वजह से आपकी कार लेने के लिए मैं मजबूर हो गया था। उस चिट्ठी में माफी मांगने की तरह से उन्होंने लिखा, आपको दुख देने के लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूं। उस गाड़ी में जितनी भी पेट्रोल थी वो पहले जैसा ही है, मैंने उसे भर दिया है। इसके अलावा आपकी गाड़ी की खराब हुए लॉक को भी मैंने बदल दिया है। गाड़ी यूज करने के बदले में आपकी और आपकी परिवार के लिए मैं 10 सिनेमा की टिकट भी बुक कर दिया है, और वो सारे टिकट इस चिट्ठी के अंदर ही आप पाएंगे, और सारे टिकट है अगले दिन की नाइट शो की। मैं जानता हूं कि आपकी काम वाली बाइक को लेकर आपके घर में 10 मेंबर्स है। आप लोगों की खाने के लिए सिनेमा हॉल में रखे हुए फूड कोर्ट की वाउचर भी, मतलब आपके खाने पीने का सारे बंदोबस्त मैंने कर दिया है। सिनेमा देखने के बाद जो चाहे वो खा लेना। और आखिर में आपको मैं ये तहे दिल से कहना चाहता हूँ कि मेरी इस भूल के लिए मुझे जरूर माफ कर देना। 15 लाख रुपए की कार वापस मिल गई ये सोचकर परिवार के सारे लोग बहुत ज्यादा खुश थे, और अगले ही दिन पाए हुए टिकट लेकर सबने चले गए सिनेमा देखने के लिए। सिनेमा देखने के बाद अपने मन के मुताबिक स्पेशल चिकन, राइस, कॉफी, आइसक्रीम खाकर सब बाहर निकल आए। लेकिन ये क्या, सब तो बहुत हैरान हो गए, क्योंकि गाड़ी तो पार्किंग लॉट में है ही नहीं, तो क्या फिर से कोई गाड़ी को चोरी करके ले गया। उपाय ना ढूंढ पाकर उन लोगों ने टैक्सी बुलाकर घर लौटकर चले आए। तब घर लौटकर उन लोगों ने आश्चर्य होकर देखा कि फ्लैट की दरवाजा बिल्कुल टूटा है। घर के सारे महंगे चीज, फर्नीचर्स, पैसे, जेवर चोरी हो गया है। लगभग 10 करोड़ रुपए के आसपास प्रॉपर्टी चोरी हुई है। बाहर टेबल में एक चिट्ठी पड़ी थी, उसमें लिखा था कि सिनेमा कैसा लगा, आपकी गाड़ी फिर से चोरी करके ले जा रहा हूं, आपने क्यों अपनी गाड़ी की लॉक और चाबी बदलना भूल गए, और उधर घर एकदम खाली करके क्या कोई सिनेमा देखने के लिए जाता है। देखा ना, थोड़ा सा बेवकूफी के लिए इतना बड़ा नुकसान हो गया। किसी को विश्वास करना ठीक है, लेकिन इतना भी विश्वास नहीं करना चाहिए कि आखिर में अफसोस करने के अलावा और कोई भी चारा ना रहे। हमारे जिंदगी में भी हम लोग किसी भी चीज को इतनी गंभीर रूप से नहीं सोचते, और कुछ भी ना सोचकर किसी को भी विश्वास कर लेते हैं। लेकिन आंख बंद करके किसी को भी विश्वास करने से पहले हमें ये जरूर सोच लेने चाहिए कि वो आदमी विश्वास करने के लायक है या फिर नहीं, और उसके बाद ही विश्वास करना चाहिए। नहीं तो एक समय के बाद अफसोस करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर करना, कमेंट पे बताना वीडियो कैसा लगा, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा।